बिकॉज़ ओके ओके तो स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? नो नो मैम, मैम, यस ओके चलो। तो अभी हम कहाँ पे थे? गवर्नमेंट मैम, क्या करते हैं? सेंसरशिप लगा देते हैं फिल्म के ऊपर, एंड इट डज रियली सेंसर द मीडिया। मीडिया के ऊपर रोक लगा देते हैं क्योंकि वो वही दिखाते हैं हमें जो उनको दिखाना चाहिए। ओके तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर नाउ डेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड बैलेंस स्टोरी। अभी क्या है, जितना भी न्यूज़पेपर की बोलो, न्यूज़ रिपोर्टर, वो फेल होता है हमें बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड करने में। दे आर फेल टू प्रोवाइड बैलेंस स्टोरी, द रीजन फॉर द कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि रीजन क्या होता है, रीजन फॉर दीज आर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई स्टोरी आया तो वो फेल हो जाता है क्योंकि उनके बीच में कॉम्प्लिकेशन लग जाएगा, रोग लग जाएगा। तो पर्सन हु रिसर्च मीडिया हैव सेड हैपेंड बिकॉज़ बिजनेस हाउस कंट्रोल द मीडिया एट द टाइम, इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस ऑन टू फोकस द वन साइड स्टोरी। तो हमें एक साइड की स्टोरी बताते हैं मीडिया कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक टू एडवर्टाइजिंग मींस दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया रिपोर्ट against the people who give them advertisement. Media is thus no longer considered independent because of its close link business. क्योंकि इनकी जो business है close link वाला, इनके लिए वो हमें balance report नहीं दिखाते। Besides the above, media tends focus on particular aspect story because belief makes the story interesting. Also, they want increased public support for an issue, they often do this by focusing on the one side story. तो वो अगर public support में आते हैं, फिर भी हमें क्या दिखाते हैं? One side story दिखाते हैं, क्योंकि अगर मिर्च मसाला मसाला अगर add नहीं किया, तो हम कौन दूसरे news channel देखेंगे, है ना? दूसरे news channel देखेंगे, तो इसके लिए, okay? देखो, तो ये जो story है, अभी क्या है? तो कोई भी हर एक newspaper हर एक मीडिया को क्या रखना पड़ता है हिसाब, है कि किसके बाद किया, किसके बाद क्या करूं, इसके बाद क्या आएगा, तो एजेंडा रखना पड़ता है। एजेंडा मतलब क्या काम होगा उसकी लिस्ट, वो लोग लिस्ट बनाते हैं किसका, कि किसके ऊपर क्या काम करेंगे और किसके ऊपर नहीं काम करेंगे, है ना? और कौन सी प्रोजेक्ट में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, कौन सी एडवर्टाइज हम ज्यादा दिखाएंगे। ओके तो देखो ये वाला, एवरीवन डोंट डू दिस। ओके तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ में देखने को मिलता है, ये किसका फोटो है देखो, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक का फोटो है, पेप्सी पेप्सी माउंटेन ड्यू, है ना? तो ये बीच बीच में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, बोलो। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस द व्यूअर। एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, व्यूअर को, जो दिखता है, जो भी क्या करते हैं देखते हैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन इन्फ्लुएंस करते हैं? एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हम वही सब वही क्रीम खरीदते हैं जो हम टीवी में देखते हैं, जो हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना, हम वही लाख सामान खरीदते हैं, सोचो वही पेप्सी खाते हैं, जो जो एड आता है टीवी में मीडिया में वही करते हैं ना, बोलो। तो देखो ये सारे के सारे चील प्रोडक्ट है ना, सारे के सारे क्या है, चील प्रोडक्ट है। ओके तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें एजेंडा सेट करना पड़ेगा। कौन सेट करते हैं एजेंडा? मीडिया। मीडिया एजेंडा सेट करते हैं किसके लिए, फॉर द एनुअल फंक्शन। पूरा साल में क्या होगा एनुअल फंक्शन, इस फंक्शन, इसके लिए वो लोग एजेंडा सेट करते हैं। द मीडिया आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी टू बी फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइडेड ऑन व्हाट इज अ नोट और द न्यूज़ और द एंड कौन सी स्टोरी हमें
ज्यादा फोकस करना है. फॉर एग्जाम्पल द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज, बट इफ अन फेमस एक्टर इज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, है ना. देखो अगर हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ तो न्यूज रिपोर्टर आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे, है ना. अगर हम बुलाएंगे तो ही आएंगे, लेकिन अगर हमारे जो स्कूल में प्रोग्राम होगा कोई भी गेस्ट आया, सोचो ऋतिक रोशन आ गया हमारे स्कूल में फंक्शन में, स्कूल के एनुअल फंक्शन में ऋतिक रोशन आ गया, तो मीडिया क्या होगा? मीडिया आसपास के जितना भी लोग आएंगे वो फैल जाएंगे चारों तरफ, और मीडिया भी वो शो दिखाने के लिए टीवी में कवरेज करने के लिए वो चारों तरफ घूमेंगे. लेकिन अगर कोई भी नहीं आए, बस हमारे मीटिंग हमारे जो फंक्शन है हम ही ऑपरेट करें, हम ही करें, तो कोई आएंगे? कोई भी आएंगे तो वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्टेड कवरिंग जो होता है कवरिंग, तो कवर पेज में वो दिखाएंगे कि ऋतिक रोशन बेंजामिन स्कूल में आया था ऐसा, तो तभी आएंगे. लेकिन पर्टिकुलर क्या फोकस करने के लिए, हमारे जो फंक्शन है वो दिखाने के लिए नहीं, किसको? कोई भी चीफ गेस्ट को, उनको दिखाने के लिए. ओके, तो वो लोग क्या ढूंढते हैं, एजेंडा ढूंढते हैं कि कौन सी स्टोरी हमें ज्यादा मुनाफा देंगे, ज्यादा व्यूज देंगे. ओके, तो देखो तो मीडिया इन्फ्लुएंस अवर थॉट, मीडिया इन्फ्लुएंस अवर थॉट फीलिंग एक्सेंट, जैसे मैंने बोला है मीडिया इन्फ्लुएंस द बियर, तो मीडिया इन्फ्लुएंस अवर थॉट फीलिंग एक्सेंट bring those issues to attention. ऐसा ही attention, मीडिया हमें ऐसा ही दिखाते हैं जो जिस जैसे हमें attention मिलता है, जो हम देखते हैं जैसा चीज जैसे हमें attention create करता है, ऐसा ही चीज हमें मीडिया दिखाते हैं. मीडिया influence the viewer, our thought, feeling, action bring the issues attention due to the significance influence it plays leaves and shaping our thought. It is commonly said that media set the agenda. इसके लिए commonly क्या करते हैं वो, media set the agenda, agenda set करके रखते हैं. Very recently media drew attention to the alarming levels of the prestige, alarming level of the pesticides in cola drink. कि हमें ऐसा news पता चला कि cola drink जैसे Pepsi खाने में हमें क्या होगा, pesticide हो जाएगा. pesticide मतलब वो हमारे लिए हानिकारक है, हानिकारक है. ये न्यूज अगर हमें दिखाए तो हम कोका कोला खाना बंद कर देंगे, है ना. ये न्यूज दिखाया था और हम कोका कोला खाना छोड़ दिया था. ओके, तो दिस मेड आवर नीड टू रेगुलरली मॉनिटर. तो ये जो स्टोरी है ये मॉनिटरिंग करते हैं वो लोग और एजेंडा सेट करते हैं. ओके, clear to all? Clear to all? Yes, ma'am, all clear. Yes, ma'am. Okay, clear. The next part yes, is घर में अच्छे से read. Yes, ma'am, clear. घर में अच्छे से read करना और exercise करके आना. ये homework है सबके लिए. Okay? जो next part is. Okay, ma'am. Okay. जो नेक्स्ट पार्ट है घर में करना और एक्सरसाइज, डू द एक्सरसाइज इन होम. ओके, बाय बाय एवरीवन. बाय मैम, 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 बा